दारू बदनाम करेगी। तो वो एक साल से मुझे बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, जब उसने छोड़ा ना तो रीजन दिया कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। तो भाई ये है हमारी दो जा रही हैं बसेस, एक ये एक आगे वाली। गुड मॉर्निंग गाइस, सारा भाई बैग वैग पैक कर लिया है, हम जा रहे हैं आज मनाली, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए आ रहे हैं हम घूमने के लिए। एक्साइटेड, ठंडी लगने वाली है बहुत भाई। मैं तो तीन चार पहन के आया हूँ अंदर अभी से ही। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं मेट्रो चेंज कर रहा हूँ, रंजू अभी आने वाली है, वो ऑफिस गई थी तो उसकी वजह से उसका भाई रूट थोड़ा चेंज है, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये द्वारका की तरफ लेके जाएगी, इसी में बैठना है द्वारका सेक्टर 21 वाली में, तो अंजू भी आने वाली है पीछे पीछे, तो इसी में बैठ जाते हैं भाई। और मुझे ढूंढना है स्केचर्स का शोरूम, वो रहा वहाँ पे सामने, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये अक्षरधाम वाली जगह पे भाई मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर जस्ट उतर गया हूँ। तो ये है अक्षरधाम का भाई मेट्रो स्टेशन, एक बार पहले आया था और एक बार अब आ रहा हूँ। यहाँ पे प्यूमा वगैरह का भी स्टोर है। अभी उनको कॉल करके एक बार पूछता हूँ कहाँ पे है भाई आपकी बसेस। तो सी आ गई, तो ये आ गए भाई, अब इसको लेके हम जा रहे हैं मनाली। बता दो अगला ट्रिप तुम लेके जाओगे मुझे। हाँ देखते हैं। तो भाई अंजू गई है थोड़ा कुछ काम से, तो मेरे को छोड़ गई है और मैं हूँ अभी यहाँ पे अक्षरधाम के मेट्रो के नीचे। यहाँ पे मार्केट लगती है क्लॉथिंग वगैरह की, तो इधर ही हूँ मैं। अभी आने वाली है अंजू, अभी काफ़ी एक दो कपल और आ गए हैं, तो वेट कर रहे हैं उधर की साइड। अभी अंजू का वेट कर रहा हूँ भाई, वेट करते करते ना मुझे पौना घंटा हो गया, 6 बजे का बोला था कि 6 बजे निकल जाएगी, लेकिन भाई अभी तक कोई आया नहीं है, तो चलो वेट करते हैं। तो भाई यहाँ पे भाई अंजू के बन रहे हैं, क्या बन रहा है तेरा? टिक्की बन रही है यहाँ पे, बहुत सारे कपल वगैरह भी घूम रहे हैं भाई यहाँ पे ना जाने के लिए मनाली ट्रिप पे भाई। ये ऐसा क्या स्टैंड है क्या मनाली में? अरे यही मतलब एक वो पॉइंट दे रखा है ना इन्होंने, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कपल खड़े हैं भाई जाने के लिए मनाली वगैरह। अब ये नहीं पता कि हमारे कौन से हैं, हमारा कौन सा है, वैसे बोल दिया उसने आने वाला है, जो हमारा कोऑर्डिनेटर है बस का वो मिलेगा। तो भाई सारा बैग आगे जगह जल्दी आगे वाली और राइट साइड की चाहिए हमें, खिड़की वाली राइट साइड, राइट साइड की। तो भैया हमारे कोऑर्डिनेटर आ चुके हैं अंकुर भैया, और हमारी ट्रेवलर बस आने वाली है, हमें खाना भाई खा रहे हैं जल्दी से क्योंकि इनके साथ हमें निकलना है भाई। खा लो ना जल्दी जल्दी, मैं भी खाता हूँ अभी भाई। देखो अंशू यहाँ पे फिर से आ गए छोले भटूरे खाने के लिए भाई, इसको ना इतनी भूख लग रही है ना, बार बार ही आई जा रही है, आई जा रही खाने के लिए, कभी कुछ ले रही है कभी कुछ ले रही है। तो अभी भाई हमारी आई नहीं है बस फिर से भाई अंशू। अच्छा तेरा वो देखना है सामान। तो अंशू ये तो भाई तेरा पहला ट्रिप है, इतना लॉन्ग जो ट्रिप होगा, तो तू तो वैसे मैं गई हूँ मसूरी। तू मसूरी गई है? तू हरिद्वार तक गई थी? मैं मसूरी भी गया हूँ। मसूरी भी गई है तो अच्छा, तो ये मेरा भाई लॉन्ग ट्रिप होगा। वैसे तो मैंने ट्रेन से ट्रैवल करा है, लेकिन भाई आज हम बस में ट्रैवल करने वाले हैं दोनों। गोइंग टू मनाली, कसौल भी जाएंगे, कसौल जाएंगे, पूरे ब्लॉग आते रहेंगे, और सोलांग वैली। हाँ और हम भाई इसका लास्ट जो वाला ब्लॉग होगा इस सीरीज का, तो हम आपको पूरा खर्चा बताएंगे कौन से ट्रैवल से हम जा रहे हैं, वो सारा कुछ आपको भाई डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, कितने का पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, वो सारा कुछ बता देंगे। हमारी गर्मा गर्म चाय कहाँ पे? अभी तो हम दिल्ली में ही हैं यार, वहीं खड़े हैं अक्षरधाम पे। ये अभी आए हैं, तो इनके साथ अभी जाके हम बस में बैठते हैं अच्छे से और ट्रैवल अपना शुरू करते हैं। तो भाई ये है हमारी दो जा रही हैं बसेज, एक ये एक आगे वाली, हम हैं आगे वाली में और हमारे बसेज वगैरह अभी पूरी रेडी हो रही है, मतलब बैग वगैरह हो रहे हैं पूरे पैक वगैरह। और ये हमारे अंकुर भैया हैं, ये हमारे साथ जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं अंकुर भैया, तो सभी हम जाने वाले हैं। अभी बैठ गए हैं भाई बस के अंदर, अभी हमारी बस स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं मनाली, नहीं 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है मूर्थल पे, तो फिर उसके बाद जो सेकेंड होगा वो हम मनाली में मिलने वाले हैं। ये भाई हो चुकी है हमारी बस स्टार्ट, हम निकल चुके हैं मनाली के लिए, बहुत मजा आने 5 बजे अब तक मैं ऑफिस। हाँ दिखाना दिखाना 8 बजे 3 घंटे में 5:15 आया था, 3 घंटे लगभग हो चुके हैं, तो तब से भाई वेट करना पड़ा है मेरे को बहुत ज़्यादा, तो अभी फाइनली निकल गए।
टाइम देखो भाई कितने किलोमीटर का लगा हुआ है, पीछे हम 2-3 किलोमीटर का छोड़ के आ गए और अभी तक ये जाम ही लग रहा है पूरा, जाम जाम पूरा भाई, पूरा रोड ब्लॉक है। बना दे 100 रुपए वाली पर्ची, लिया ही ना आता था, हाँ लिया ही ना टोल, अरे वो फास्ट टैग लग रहा है ना। ये दूरियां फिलहाल है। तो भाई अभी रुके हैं हम सुधीर मूर्तल ढाबा पे, फाइनली मूर्तल भी आ गए फ्री में। और यहाँ भाई इतनी ट्रैवल की बस ही बस है, देखो चारों साइड में बस ही बस दिखेंगे, तो यहाँ पे भी खाना पीना खाओ कुछ भी करो, आधा पौना घंटा है हमारे पास में। आग लगी है बहुत ज्यादा, मेरे भी लगी आग। तो हमारी बस का नंबर है ये रहा 2413, 2413 मैंने क्या बोला था, बस नंबर 24 तुम्हारा 13 मेरा, नहीं 24 मेरा बाकी 13। तो ये हमारे बस का नंबर है 24 मेरा बाकी 13। सॉरी आ जाओ, क्या सर्दी हो रही है भाई बहुत ज्यादा, कुल्फी कुल्फी खा लो भाई, सर्दी इतनी ज्यादा हो रखी है बहुत भाई, हालत ना खराब हो गई, तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो। अभी हम करने वाले हैं ऑर्डर कुछ, तो भाई साहब ये आ चुके हैं हमारे गर्मा गर्म एकदम देसी ढाबे वाले पराठे। तो भाई साहब अभी ले लिया हमने गर्मा गर्म चाय, लौंग वोंग डाल गया भाई, एकदम मस्त बना रखी है चाय भाई। हम रुके हैं ना बस के उसी के साइड में, वाइन शॉप है उसी के साइड में ना, तो भाई यहाँ पे आ जाना सस्ता मिल रहा है, खामा खा के उधर तो लूटपाट मचा रखी है, वहाँ पे पराठा ही 110-130 से शुरू है, और यहाँ पे जो पराठे मिल रहे हैं ना यहाँ पे 50 रुपये में मिल रहा है ना। अब बताओ पैसे भी बच गए और अपना काम का काम हो गया और चाय भी मिल गई, बिना ऑयली वगैरह एकदम मस्त मक्खन के साथ में देसी ढाबे पे हमने खा लिया। एक भी बस ना उस ढाबे पे नहीं है, सारी बसें हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई इनका सबका इनको कमीशन वगैरह मिलता है बस वालों को सबको ट्रैवल एजेंसियों को, तो इसलिए भाई यहाँ पे है सारी बसेस वगैरह, वहाँ पे एक भी नहीं है, तो भाई थोड़ा ध्यान रखो उधर साइड में जाके कर सकते हो खा पी सकते हो। तो भाई अभी मैं जाने वाला हूँ फिर से एक और चैलेंज, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में आगे, तो वो कह रहे हैं अगर आप जल्दी से यहाँ पे खाना खा पी ले तो हम फिर अब जल्दी से जाके अपना एक आध बीच में साइड सीन्स है वो करवा देंगे। भाई फुल मौज चल रही है यहीं पे, अभी हम सारे भाई यहाँ से निकल चुके हैं, सब अच्छे खासे घुल मिल चुके हैं। हाँ जू करवा इंट्रोड्यूस, तो आप अपना नाम बता दो। पूजा। ओके और आप अपना नाम बताओ। हाय सुमित। आपका कोई ब्लॉग चैनल इंस्टाग्राम सब बताओ। कुछ नहीं है यार, पीछे पीछे बोल दो जल्दी जल्दी, तुम भी देख लेना बाद में अपना ब्लॉग। तो बाकी पीछे और मैं प्रियंका, ये सारे अभी हम बैठे हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा दोस्त बन रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, अभी 2-3 घंटे हुए हैं। और इधर कौन है? सोनिया। सोनिया और इधर आप? आकाश। आकाश स्काई। और आप सर? हानी। हानी आपका ड्राइवर? हानी। हानी हो जाए, हानी मत कर देना बस। अच्छा यो यो हानी, लड़कियाँ नहीं बताती और सैलरी आदमी नहीं बताते। हाँ शादी अभी नहीं बताते भैया लड़के की, शादी शुदा है। तो वो एक साल से मुझे बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, जब उसने छोड़ा ना तो रीजन दिया कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। अभी हम भाई निकले ही हैं जस्ट, लेकिन फॉग ही इतना ज्यादा हो गया, दिखना ही बंद हो गया भाई यहाँ। भाई कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर तो, बस हम दोनों दिख रहे हैं वो भी लाइट में, और हो गया बहुत ज्यादा बाहर। Yes.
तो अभी आ चुके हैं हम अपनी हवेली पे। ये है भाई अपनी हवेली। मुरथल में बीमार होगा सब महंगा वाले यहाँ पे। ढूंढो ढूंढो कोई कोने में होगा दूसरा वाला है ना भाई। चाय वगैरह पियेंगे ना। अचार एंड चूरन देख रहे हो जो। अभी यहाँ हम कुछ चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। जिनको भाई वॉशरूम जाना हो वो जा सकते हैं। तो हवेली आ गए हैं फाइनली। अभी हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं। और यहाँ पे देखो भाई चार पाई वगैरह सारी लगी हुई है। लग रही है ये इतनी हमारे फरीदाबाद से ज्यादा ठंड भाई। ये 47 रुपए की चाय है। इससे बढ़िया हम टपरी पे पी के आए हैं। 15 रुपए की 10 रुपए की चाय। अब मजा आया वो वाला। तो यहाँ हवेली पे आके हम चाय पी रहे हैं। वो टेस्ट नहीं आया जो आया था हमें किस पे टपरी वाली पे। अदरक डाल के आया था। तो भाई कहाँ घूम रहे हो। अरे कहाँ घूम रहे हो। हवेली आया हूँ भाई चाय पीने आया हूँ। हवेली चाय पीने। अरे बड़े बड़े लोग चाय ना मिली घर में इसलिए यहाँ आ गए। टाइम ही नहीं मिल रहा पूरा इतना भरा पड़ा है ना घर में कुछ ज्यादा ही। हवेली आओ कभी हमारी हवेली पे पिलाते हैं तुम्हें 47 रुपए की चाय। 47 रेट चाय था। तो फाइनली भाई अभी चाय वगैरह पी लिए हमने। और भाई अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आगे जाके पता नहीं क्या ही हाल होगा। आगे जाके यहाँ पे इसे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। मेरे को इतनी नहीं लग रही पर इसे पता नहीं कितनी और ठंड लगने वाली है। ये तो भाई कहाँ पर ये पूरी। तो अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं उधर अपनी खड़ियाँ सारी बसेस वगैरह। और बाकी आपको ना हमारे फोटोज वीडियोज सारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे vinanch_1। और हमारे साथ में भाई जो भी फ्रेंड्स हैं जो हमारी बस में है अगर आपने ये व्लॉग देख रहे हो ना तो एक बार कमेंट करना ताकि हम इंस्टा वगैरह पे अच्छे से जुड़ पाएँ। तो इंस्टा को फॉलो कर लेना मैं फिर आपको फॉलो बैक कर लूँगा है ना। तेरे को भी कर लूँ। तू बता दे अपने इंस्टा हैंडल का नाम। अंजू सैनी प्रजापति के नाम से इसका मेरा vinanch_1 या विनोद प्रजापति के नाम से भी निकाल सकते। आओ कभी हमारी हवेली पे। भाई साहब अभी रुके हम एक जगह ठीक है चाय वगैरह पीने के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए। तो ये है वो जगह कुछ ये हमारी बस वगैरह खड़ी है यहाँ पे। तो इधर ही हम रुके हैं रात में। पहाड़ पे हम चढ़ चुके हैं वहाँ से। अभी यहाँ से हमारा जो मनाली है अभी मैंने देखा था पीछे 110 किलोमीटर के समथिंग दिखा रहा है। यानी 100 किलोमीटर मान लो अभी 10 ही किलोमीटर तो आगे आगे होंगे। तो 101 किलोमीटर अभी है हमारा मनाली। यहाँ पे थोड़ा ना कानों में ऐसे प्रेशर जैसे फील हो रहा है। तेरे हो रहा था ऐसे जैसे दब रहे हो कान। मेरे को अच्छा मेरे को हो रहा था।